जयंत चौधरी हमारे साथ हैं। जयंत जी, आपने बहुत आपको तो बहुत लंबा भाई बड़ा प्रहार किया है आपने लगातार, जो आपको की तरफ संदेश भेजने की कोशिश की गई है अमित शाह जी की तरफ से, कैसे देखते हैं कल की मीटिंग? उनकी मीटिंग एक राजनीतिक स्टंट है, चुनाव में जो वोट उनके खिलाफ जा रही है उसे साधने की कोशिश है। उनके हृदय में किसान के लिए कोई सम्मान होता तो इससे पहले जब किसानों पर आपत्ति हो रही थी, जब किसानों पर वार हो रहा होता, तब यही लोग शांत बैठे हुए थे। तो ये इनका प्रयास है, लेकिन गांव-गांव में विरोध हो रहा है बीजेपी का। अच्छा, लेकिन 2014, 2017, 2019 में भी इसी तरीके से नाराजगी थी जाटों में, लेकिन उसके बाद उन्होंने कोशिश करके उनको अपनी तरफ कर लिया, इस बार क्या अंतर देखते हैं? ऐसा नहीं है कि अपनी तरफ कर लिया, आज नाराजगी हर वर्ग में है। इलाहाबाद में जिस तरह से नौजवानों को पीटा है उसकी गूंज बहुत दूर तक गई है। अगर हमारे प्रतिभाशाली नौजवानों को इस तरह से पीटा जाएगा तो फिर युवा क्या करेगा? तो उत्तर प्रदेश में जो विकास की संभावनाएं हैं वो लोग हमारी तरफ देख रहे हैं बहुत आशा के साथ कि हमने जो गठबंधन बनाया है ये यूपी में परिवर्तन लाएगा। आपने मंच से कहा भी कि मैं चवन्नी नहीं हूं कि पलट जाऊंगा, किस कॉन्टेक्स्ट में कहा था? इसी कॉन्टेक्स्ट में कि जो लोग डाउट अगर कर रहे हैं, हम लोग अपनी दिशा नहीं बदलेंगे। हमने संघर्ष किया है, लाठियां खाई हैं, जनता के मुद्दों को उठाया है, वही हमें आगे करना है जो चौधरी साहब ने रास्ता दिखाया था। आपने ये भी कहा कि अगर मुझसे कोई गलती हो तो चौधरी अजीत सिंह जी का चेहरा याद करें। जी बिल्कुल, भावनाएं हमें एक दूसरे से जोड़ती हैं और उन्हीं भावनाओं को जिंदा भी रखना है, सिर्फ चुनाव के लिए नहीं, ताकि हमारे रिश्ते आगे मजबूत रहे। अखिलेश जी के साथ गठबंधन है, कहीं लगता है कि एक तरीके का जो उनका 2012 से 17 का जो कार्यकाल था वो कहीं आड़े आ रहा है, कहीं उसको लेकर के लोगों के मन में सवाल है? नहीं, ऐसा नहीं, कुछ गलतियां हुई, कुछ अच्छे काम भी हुए और उनको अनुभव मिला है। उसके बाद 5 साल विपक्ष में रहे हैं और हम भी लगातार विपक्ष में रहे हैं, संघर्ष किया है, तो हम दोनों मिलकर अपने उस अनुभव का प्रयोग करेंगे ताकि यहाँ बुनियादी विकास हो पाए। अच्छा, अमित शाह जी को अगर आप एक मैसेज देना चाहेंगे, क्या देना चाहेंगे? क्योंकि वो कह रहे हैं क्या कि हमें आपसे कोई परहेज नहीं है। नहीं, आपको किसानों से क्या परहेज है? लखीमपुर में न्याय क्यों नहीं दिला पा रहे? टेनी जी को बगल में क्यों बैठा रखा है? मेरे यही सवाल उनसे हैं। धन्यवाद। तो क्या लगता नहीं है कि चुनाव के बाद गठबंधन की कोई गुंजाइश? ये तो चर्चा आप ही चला रहे हो, हमारी तरफ से तो आपको पता है कितने स्पष्टवादी मैं हूँ, इससे ज्यादा स्पष्ट कोई कह नहीं सकता। कोई ऐसी गुंजाइश नहीं, कोई रास्ता नहीं। जयंत चौधरी ने साफ कहा है कि चुनाव के बाद, चुनाव से पहले कोई गुंजाइश नहीं है, पहले किसानों को न्याय दिलाएं, उसके बाद कोई बात होगी। तो लगातार मुजफ्फरनगर में हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो अलग अलग छोटी छोटी सभाएं हो रही हैं, जो कि इंडोर सभाएं हैं, वो इस समय चल रही हैं और उसके जरिए जयंत चौधरी गठबंधन के लिए वोट मांग रहे हैं। ऐसी 3 सभाएं सिर्फ गुरुवार को इस समय मुजफ्फरनगर में आयोजित की जाएंगी और उसके बाद एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस अखिलेश यादव के साथ शुक्रवार को करने की योजना है। यानी संदेश साफ है कि गठबंधन मजबूत है, चाहे बीजेपी जितनी भी कोशिश करे। कैमरामैन मनीष झा के साथ कुमार खुना, मुजफ्फरनगर आज तक।